नमस्कार। बीती रात गर्दनीबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत चितकोहरा बाजार स्थित पंजाबी कॉलोनी में सागर गारमेंट नामक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को दी। अग्निशमन द्वारा 2 दमकल भेजा गया, जिससे आग पर काबू पा लिया गया। दुकान मालिक कुंज बिहारी ने बताया कि दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। लगभग 20 लाख की संपत्ति आग में जलकर राख हो गई। इस संदर्भ में कुंज बिहारी ने गर्दनीबाग थाना में एक तहरीर लिखकर दे दी है। आपको बताते चले कि चितकोहरा बाजार में शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगने की यह दूसरी घटना है। एमआई प्लस न्यूज से संवाददाता मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंज बिहारी सिंह है। कैसे आग लगी? ये शॉर्ट सर्किट से रात में आग लगी है। ना समय से दुकान बढ़ा के जैसे जाते थे, उसी तरह से बढ़ा के गए हैं। फिर यहाँ मोहल्ला के लोग कॉल किए हैं, आपके दुकान से धुआं निकल रहा है। वही आने के वही आग जल्दी किया गया तो पूरा आग लगी हुई थी। यही मोहल्ले वाले के सब मदद से बुझाया गया, फिर फायर ब्रिगेड आई है, फिर बुझाया गया है। फायर ब्रिगेड कितने बजे आए थे? कितने टाइम लिया था आने में? फायर ब्रिगेड वही आधा घंटा समथिंग लिया था। रात से कितने बजे आग लगी? वही 11 बजे। मैंने यहाँ पर हम लोग सारे गाड़ में हम आ गए थे। यहाँ पे कौन कॉल किया था आपको? यहाँ पे बगल के भी लोग किए थे कॉल। दुकान है वही कॉल किए, उनका घर यही पर है, वही कॉल किए थे कि आपकी दुकान से धुआं निकल रहा है। फिर हम लोग तो इसमें आप ये बताइए कि पूरा कपड़े की दुकान ही सही से आपकी, क्योंकि और अगल बगल किसी का भी और बगल में भी कपड़े की दुकान है, उनकी भी लग गई क्या? उनकी नहीं, तो मेरे में ही हुई है। किस कारण से हुआ यार? ये शॉर्ट सर्किट से हुआ। शॉर्ट सर्किट बरसात में अभी शॉर्ट के कारण हुआ, कहीं पर वोल्टेज ऊपर से हुआ होगा, उसके वजह से वो शॉर्ट सर्किट कर गया। आपके दुकान में कितनी की संपत्ति थी? 20 लाख से ऊपर की थी संपत्ति। आए थे रात में, आए थे, रिपोर्ट लिखाए आप? अभी जाके रिपोर्ट हमने लिखवाए हैं, कुछ देर में बोले हैं कि हम कॉल करके आपको बुलाते हैं। ऊपर लिखे थे वो, और लिख के और ले गए हैं, बोले हैं कि हम आपको कॉल करके, मैंने वहाँ से अधिकारी से कॉल करके आपने ले लीजिएगा। रात में वो लिख कर गए थे फायर ब्रिगेड वाले।